और अध्यक्ष और गुरुजन और विद्यार्थी उपस्थित थे, मैं उन सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं हिंदी दिवस के बारे में एक दो बातें बोलना चाहता हूं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और ये हमारे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है। जैसे कि आप विश्व में कहीं भी जाओ, आप इंग्लिश बोल सकते हैं तो आप जी सकते हैं, वैसे ही आप भारत में कहीं भी किसी भी कोने में जाओ, आप हिंदी बोल सकते हैं तो आप जी सकते हैं। वैसा देखा गया तो हिंदी हमारे देश के ही नहीं, हमारे संस्कृति की भी भाषा है। ये पवित्र और पुरातन भाषा है। पुरातन यूं कि इसी भाषा से वेद और शास्त्रों का उद्भव हुआ है। पवित्र यूं कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है ना, वो इसी भाषा में आज हम पढ़ते हैं। जैसे कि इस भाषा के साथ कई भाषाएं थी, जैसे संस्कृत, प्राकृत, पाली वगैरह, ब्राह्मी। आज वो भाषा नष्ट हो गई है। आज बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में वो भाषा बोली जाती है, लेकिन हिंदी आज हमारे राष्ट्र के संपूर्ण भाग में बोली जाती है। वैसा देखा गया तो हिंदी और हमारी संस्कृति एक ही सिक्के के दो मुख जैसे हैं। आज हम हमारी संस्कृति को इतना भूल गए हैं कि हम विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं। इसके कारण कल एक दिन हम हमारी भाषा, परंपरा, संस्कृतियों को भी भूल देंगे। जैसे कि अमेरिका वाले कहते हैं कि वो कैलिफोर्निया से लेकर टोक्यो तक अपनी संस्कृति को फैला देंगे, इससे सारा विश्व उनकी संस्कृति का पालन करेगा। और आईसिस जैसे उग्र संगठन कहते हैं कि वो सारे विश्व पर आतंकवाद का छाया मंडरा देंगे, जिससे सारे विश्व ही आतंकवाद की छाया में गिरता जाएगा। लेकिन हम हमारी संस्कृति के साथ खड़े हो या ना भी खड़े हो, लेकिन हमारी संस्कृति पुरातन है, वो आज तक खड़ी हो, आगे भी खड़ी होगी। आज के युवा है ना, वो हमारे संस्कृति को भूल रहे हैं, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि विदेशों में भारतीयों को जितना कीमत दी जाती है, आज हमको पता नहीं है। आप सभी को मैं एक विचार बताना चाहूंगा। फेब्रुवरी 28 इंडिया का साइंस डे मनाया जाता है सर सीवी रामन के खातिर, लेकिन आपको ये पता नहीं स्विट्जरलैंड का साइंस डे मनाया जाता है मई 26 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के खातिर, क्योंकि मई 26 को अब्दुल कलाम जी ने स्विट्जरलैंड को विजिट किया था, इसके खातिर वो बनाते हैं। ये कीमत है विदेश में भारतीय व्यक्ति की। जो विश्व वाणिज्य जो मंजिल थी अमेरिका में, उस पे बिन लादेन ने हमला किया था, जो तालिबान का एक उग्रगामी था, उसमें 60,000 लोग मर गए थे, उसमें 16,000 भारतीय थे। विदेशों में भारतीयों को काम करने के लिए रखा जाता है। लेकिन हमको एक बुरी बात भी बताने चाहता हूँ कि हाँ, लोग पढ़ते हैं और विदेशों में जाके सेटल हो जाते हैं, अपने मातृभूमि को वो लगभग भूल जाते हैं। और यह हमें नहीं करना है, सिर्फ हमारे देश के लिए हमें जीना चाहिए। आप विदेश क्यों जाते हो, भारत भी तो हमारी मातृभूमि है। आज विदेशियों ने भारत को अपनाया है, लेकिन आज हम अपने वतन को नहीं अपना रहे हैं। जैसे कि भारत के वेद शास्त्र जैसे थे, योग मनाते हैं, वो सभी विश्व ही आज योग मना रहे हैं, जैसे यूनेस्को ने भी मनाया था। आज मैं और एक बात बताना चाहूंगा, जो विदेशी कहते हैं कि भारत ने विश्व के लिए कुछ भी नहीं दिया, सभी जो भी खोज हो गए आज विश्व में, उन सभी का मूल है भारत। जैसे कि जर्मनी वालों ने अनेक बम बनाए विश्व युद्ध के दौरान, वो सभी ऋग्वेद से लिए गए थे, ऋग्वेद को उन्होंने ले गए थे। और उन्होंने हमारी संस्कृति का इतना मान रखा है, विश्व का सबसे पहला संस्कृत रेडियो जो बना था वो जर्मनी में बना था। वैसे ही मैं और एक बात को भी बताना चाहूंगा, हमारा यूनिवर्स का उगम ऐसा हुआ कि सारे धर्म कालापन छाया हुआ था और सभी बादल मिलकर बड़ा स्फोट हुआ, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं, इससे हमारा विश्व का उगम हुआ। इसका उल्लेख कई हजारों सालों पहले ऋग्वेद में लिखा गया था, कालेपन में काला छाएगा था। हमारा पूर्वज है ना, वो इतनी आगे की सोच रखते है कि आज हम ग्रहों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो तभी ही उसी परंपरा में नवग्रह की पूजा करते थे, जो आज साबित भी हो गया है। हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा बहुत ही अति विशिष्ट है। हमारी संस्कृति सारे संस्कृतियों की जननी है। हम हमारे संस्कृति, भाषा, परंपराओं को ना बोलते हुए हमारे देश के लिए कुछ करने के ठानते हैं।
जैसे कि आप जापान में जाएंगे तो जापान में 7G की टेस्टिंग चल रही है, और 7G की टेस्टिंग कोई बड़े साइंटिस्ट वो कुछ नहीं कर रहे, वहां के छात्र कर रहे हैं 7G की टेस्टिंग, लेकिन आज के हमारे भारत के छात्र है ना वो 4G पे व्हाट्सएप और फेसबुक के लगे हुए हैं। और मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि हम हमारे संस्कृति को इतना लगाना चाहिए कि हमारे देश और हमारे संस्कृति बारे में कोई भी बात करे तो हम उसको प्रति विरोध करें, कोई जातिवाद कोमवाद और किसी भाषावाद के बिना नहीं फंसते हुए हम हमारे लिए देश ने क्या किया है ये नहीं सुनते हुए हम देश के लिए कुछ करेंगे, ऐसे हमें ठान लेना चाहिए। दिल्ली में कोई नेता स्वच्छ भारत चिल्लाता है तो उसका हमें गली में असर होना चाहिए, आज कोई भी गली में उसका पालन नहीं करता। जैसे कि अभी आपने आप लोगों ने वीडियो देखा, तब उस वीडियो में कचरा फैलाने के कुछ लोग थे, हमें कचरा फैलाना नहीं चाहिए। हम साफ भी नहीं कर सके तो प्लीज हम सबको फैलाना नहीं चाहिए। इतना कहते हुए मुझे बातें करने के लिए दो अवकाश देते सभी का धन्यवाद।